हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता ही था कि मैं देहम नेचर क्योर में गई थी, जो मुलशी के पास है, पुणे से 2 घंटा लगता है। मैं वहाँ गई थी। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए। और मैं आपको इसमें पूरा टूर देने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या कैसा माहौल होता है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको प्रोवाइड की गई हैं। ये मेरी बहन है जो इधर उधर घूम रही है। मौसम काफ़ी अच्छा था, जैसे आप देख ही रहे हो कि पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं। तो ये गार्डन एरिया था जो बहुत ही सुंदर था, ऐसे बेंचेस लगे हुए थे, बहुत सुंदर था। और बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो आप आराम से उसका भी मज़ा ले रहे थे। काफ़ी फूल लगे हुए थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो काफ़ी सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर का जो एरिया था वो बहुत सुंदर था। फिर अंदर की तरफ, जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे तो आपको ये रिसेप्शन एरिया मिलेगा, जहाँ आपको अपना पता ही है रिसेप्शन में क्या क्या होता है, पैसे आपको चार्ज करने पड़ते हैं, आप देते हो, और ये सारी फैसिलिटीज़ लिखी हुई थी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। फिर आप रिसेप्शन के अंदर जब आप घुसोगे तो ये जो दरवाज़ा दिया गया है, यहाँ पर डॉक्टर लोग बैठते थे। और ये पूरा इतना सुंदर लॉबी आपको दिया गया था जहाँ आप बैठ सकते हो, और बहुत लोग बैठे भी थे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो नहीं थे, लेकिन बहुत लोग बैठ रहे थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर नॉर्मल लोग भी जाते हैं, जैसे जिनको डिटॉक्स लेना होता है, डिटॉक्स करनी होती है अपनी बॉडी, वो लोग भी जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको बीमारियाँ होती हैं, वो उसके लिए भी जाते हैं। जैसे आप योगग्राम है बाबा रामदेव जी का, वैसा ही है ये, उसी तरीके का एक नेचुरोपैथी सेंटर है। अब मैं आपको जहां लेके जा रही हूं, ये है मसाज एरिया। तो मसाज एरिया में अलग अलग रूम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको मसाज जो दी जाती है वो 45 मिनट्स की दी जाती है। तो जैसे हम गए थे तो हमारे पैकेज में था कि आपको 45 मिनट्स की मसाज दी जाएगी, और उसके बाद स्टीम दिया जाएगा, और उसके बाद आप नहा सकते हो। और हमारा जो पैकेज था वो 4,000 पर पर्सन दिया गया था। फिर आप बाहर निकलोगे तो आपको कैंटीन मिलेगी, जहाँ हम लोग सभी लोग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर रहे थे। ये वही एरिया है जहाँ आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आप फिर ये लॉबी से जब बाहर निकलेंगे, और लॉबी के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो दो लोग खड़े हुए हैं, वो जगह है जहाँ पर आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। यहाँ पर ये सारी अलमीरा में जो लगी हुई है, सारी दवाइयाँ हैं, सोप हैं, शैम्पू कंडीशनर हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। वो इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं इस तरीके से, तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद आप बाहर निकलेंगे, जब लॉबी से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर की तरफ। फिर आपको जब रिसेप्शन एरिया से आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये प्ले एरिया है। यहाँ पर लोग कैरम खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को ला सकते हो, अगर आप पेशेंट भी हो तो भी अपने बच्चे को ला सकते हो, और हमारे जैसे डिटॉक्स करने गए हो अपनी बॉडी तो भी ला सकते हो। ये लोग जिम एरिया में खड़े हैं, मेरी बहन, मेरा नेफ्यू, मेरे जीजू, और मेरा नेफ्यू मेरे जीजू को देख के काफ़ी एक्टिव है, और वो काफ़ी प्रैक्टिस करता रहता है। ऐसे मतलब आता वाता कुछ नहीं है जिम में करना, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करता है, क्योंकि मेरे जीजू काफ़ी एक्टिव हैं जिम के मामले में, तो उन्हीं को देख के करा था। उसके बाद ये देखो प्ले एरिया में ये लोग खेल रहे हैं, अंकल अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल था, शांति बहुत बनी हुई थी, और मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद होती है जहाँ पर एकदम एकांत हो, आप शांति से बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो। और यहाँ पर जब आप बाहर निकलोगे तो फिर आपको वही चीज़ सामने दिखेगी, पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी। ये रिक्शा जो है जहाँ मेरा नेफ्यू खड़ा है, ये रिक्शा उन लोगों के लिए वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, जिनके पैरों में दर्द होता है, घुटने दर्द करते हैं, वो लोग अपने कॉटेज तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए वहाँ पर ये रिक्शा था जो उनको कॉटेज तक पहुँचा देता था आसानी से। बट हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं था। हम लोग अपने कॉटेज में जब भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे, वो रिक्शा सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीज़न वालों के लिए था। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने कॉटेज की तरफ, जहाँ पर आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये पेड़ ही पेड़ उन्होंने लगा रखे, और इतने सुंदर लग रहे थे यार पेड़, और सब पेड़ अलग अलग थे, और सब पेड़ों पे ना ऐसे नाम लिखे हुए थे, एक बोर्ड लगा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, जहाँ पर आप
आपको अगर पेड़ का नाम नहीं मालूम है तो आप वो बस उसको पढ़ लो और आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पेड़ इस चीज का है। तो काफी सुंदर था, इधर भी उधर भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, काफी ग्रीनरी था। और मेरे को पहाड़ी इलाका बहुत पसंद है, आई एम वेरी मतलब मुझे बहुत ज्यादा नेचर लवर हूँ मैं, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आप में से सभी लोगों को नेचर पसंद ही होता है, ग्रीनरी पसंद ही होती है। तो बस ये सब ऐसे थे, बहुत सुंदर था यार, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। और अगर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप पेशेंट हैं, आप पुणे में रहते हैं, तो आप ज़रूर जाइए यहाँ पर, पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और एक आम इंसान के लिए भी बहुत अच्छा है जिसको अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और पैकेजेस भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है तो आप आराम से जा सकते हो। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। तो स्विमिंग पूल की तरफ भी ऐसे ही रास्ता बना हुआ है, इधर उधर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ पर इतने पेड़ थे, इतना ग्रीनरी था कि मतलब किसी आदमी का अगर मूड भी ऑफ हो ना तो वो भी यहाँ देख के मतलब यहाँ रहकर खुश हो जाए, उस तरीके का माहौल था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बारिश का मौसम था तो और भी ज़्यादा मज़ा आया देखने में। ये है बिल्डिंग जो नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ मैंने आपको घुमाया है, जहाँ रिसेप्शन है, मसाज एरिया है। अब आ गए हैं हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ, ये सब बोर्ड लगे हुए हैं स्विमिंग पूल की तरफ, ये झूले भी लगे हैं। छोटे बच्चे अगर अपने आ रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ तो वो यहाँ पर झूले भी झूल सकते हैं, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ये सारे ये कॉटेज बने हुए हैं येलो ग्रीन कलर के। तो ये है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी ठीक ठाक था, मतलब बारिश हो रही थी तो हम लोगों का प्लान था कि पूल की तरफ जाएंगे, लेकिन बारिश हो रही थी तो इतना साफ पानी नहीं था तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे। बट ओके था, पूल भी बहुत अच्छा था, बैठने के लिए भी जगह थी, आप खेल सकते हो आराम से। फिर हम लोग निकले कॉटेज की तरफ, स्विमिंग पूल से निकले बाहर की तरफ। तो कॉटेजेस थे लेफ्ट राइट, आपको कॉटेजेस थे ऐसे पांच पांच कॉटेजेस बने हुए थे जहां पर लोग रह रहे थे। तो फिर अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे की तरफ, आगे भी ऐसे ही बना हुआ है, आप बैठ सकते हो, बेंचेस थे तो आप बैठ सकते हो आराम से। और एक और बात आपको बोलूंगी कि आप जरूर जाओ यार, अगर आप पेशेंट हो तो भी, अगर आपको अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है तो भी, बहुत अच्छी जगह है। और ये मेरा नेफ्यू दौड़ते दौड़ते रुद्राय आ रहा है, इसको तो इतना मजा आ रहा था, मतलब ये तो पागल हो गया था वहां पर। और ये मेरी बहन आ रही है झूलते झालते उसके पीछे, मतलब वो इतना इधर उधर जा रहा है कि उसके पीछे ही थी, ये आसपास ही घूम रही थी। और मेरा नेफ्यू रुद्राय, ओ माय गॉड, वो ये जगह पे ना इतना ज़्यादा खुश हो गया था, मतलब उसको ऐसे खुली जगह बहुत पसंद है। और खुली जगह सभी को पसंद होती है, खास करके बच्चों को, बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे खुली खुली जगह जहाँ वो लोग भाग सके खेल सके। तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो इधर उधर भागे जा रहा था भागे जा रहा था। हम लोग दोपहर में पहुंचे थे 4 बजे तक और वो इतना खुश था, इतना खुश था, बस इधर उधर भाग ही रहा था वो। फिर हम लोग कॉटेज की तरफ आए, कॉटेज की तरफ आए तो ये फिर भागना इसने शुरू किया। और लेफ्ट राइट दोनों तरफ कॉटेजेस थे तो हमारा जो कॉटेज था वो लेफ्ट साइड में था। तो इसको क्या लगा रुद्राय को, मेरे नेफ्यू को, कि राइट में है, इसलिए वो मुझसे पूछ रहा है कि किधर है कॉटेज। अच्छा, अब वो कंफर्म हो गया कि हाँ हमारा कॉटेज, हमारा रूम लेफ्ट में है, तो चलो लेफ्ट की तरफ ही मुड़ जाता हूँ। अब वो भागा दौड़ते दौड़ते और उसकी याददाश्त बहुत तेज है, मतलब उसको याद रहती है हर चीज कि मेरा रूम कौन सा है। यहाँ पर आप देखोगे तो येलो ग्रीन कलर के कॉटेजेस हैं और उसको पता था कि इनमें से हमारा कॉटेज कौन सा है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा हैप्पी था और उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो इधर उधर भाग रहा था ऐसे, मतलब बहुत ही क्यूट लगता है वो, ऐसे हरकतें जब करता है छोटी छोटी तो बहुत ही क्यूट लगता है। तो इस तरीके का ये कॉटेज आपको दे रखा है जो बहुत। सो मैंने आपको टूर करवा ही दिया, आपको पता चल चुका है कि देहम नेचर क्योर किस तरीके का है, पूरा टूर करवा दिया है, काफी सुंदर जगह है। और कॉटेज तक मैंने एंड किया है, कॉटेजेस दिखा दिए कि किस तरीके के कॉटेजेस हैं, येलो एंड ग्रीन कलर के अलग अलग कॉटेजेस थे, बहुत सुंदर थे, वही मैंने एंड किया है। और रूम्स इसलिए नहीं दिखाया है इस वीडियो में क्योंकि वो मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा
दिखा चुकी हूँ। तो प्लीज अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए, वहां पर मैंने पूरा रूम टूर करवाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि रूम्स कैसे हैं और आपने देख ही लिया कि किस तरीके का है। हर चीज मैंने आपको बता दी है, पैसे आपको बता दिए हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको बीमारी है तो आप डेफिनेटली वहां जाइए, क्योंकि वहां पेशेंट्स का काफी अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे, तो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। और अगर आप बीमार नहीं है, आपको बीमारी नहीं है, तो भी आप जाइए डिटॉक्स, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करवाइए, जो कि बहुत जरूरी है। और हम लोग गए थे अपनी बॉडी डिटॉक्स करवाने ही, तो काफी मजा आया और काफी अच्छे चीजें, फैसिलिटीज काफी अच्छी थी, सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जरूर जाइए, मुल्शी में ही है, पुणे से मुल्शी ज्यादा दूर नहीं है, और आप जा सकते हो आराम से। अगर आप पुणे में हैं, पुणे में रहते हैं, तो डेफिनेटली जाइए, और अगर आप पुणे बॉम्बे में हैं तो भी मैं आपसे कहूंगी कि आप जरूर जाइए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुकून मिलेगा आपको और काफी अच्छा और मजा आएगा। और दूसरी बात कि आप अपने साथ, अगर आपको टेंशन है कि हमारा छोटा बच्चा है, हम उसे कैसे लेके जाएं, तो वहां पर आप अपने छोटे से बच्चे को भी ले जा सकते हो। हमारे साथ मेरा नेफ्यू गया था 4 साल का, तो आप अच्छे से ले जा सकते हो, क्योंकि अगर आपकी मम्मी या पापा मसाज रूम में है तो एक जना तो रहेगा ही रहेगा अपने बच्चे के साथ, तो वो आप प्ले एरिया में खेल सकते हो। तो काफी अच्छी चीजें उन्होंने हर तरीके से चीजें प्रोवाइड की थी, काफी अच्छी फैसिलिटीज थी। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि डेफिनेटली 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 जाइए, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं फिर से मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए और शॉर्ट्स देखते रहिए, और शॉर्ट्स मैं रोज डालती हूँ, तो शॉर्ट्स जरूर देखिए और इंजॉय करिए। सो बाय एवरीवन, खुश रहिए और प्यार बांटिए। बाय।